हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि होंडा की न्यू बाइक जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है और उसकी लॉन्च डेट भी अभी आ चुकी है। इंडिया में ये बाइक 2 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएगी और ये जो बाइक है कौन सी क्या होने वाली इसके बारे में भी काफ़ी रूमर्स निकल के आ रहे हैं और कुछ अपडेट्स मेरे पास भी आई है इस बाइक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो बाइक है कौन सी होने वाली है, इसकी प्राइस कितनी क्या रहेगी, क्या ये स्पोर्ट्स बाइक रहेगी या ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक रहेगी, दोनों में से कौन सी बाइक रहेगी इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये फुल्ली स्पोर्ट बाइक नहीं रहने वाली है। हालांकि जो बाइक है वो रहेगी तो 160 सीसी की, लेकिन थोड़ी सी फैमिली के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर टीजर में आप एक फ़ोटो देख सकते हो जो कि अभी स्क्रीन पे भी आ रही है, इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट इस बाइक में दिया गया है और होंडा की कोई भी स्पोर्ट बाइक में ऐसा लेडीज़ फुटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, लेकिन ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो इससे ये तो कन्फर्म हो जाता है कि जो बाइक है कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से बनाई गई है। तो इसमें जो इंजन वगैरह मिलेगा आपको 160 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन इतना कोई यार स्पोर्ट्स वाला इंजन नहीं मिलेगा जैसा कि यार अपाचे में आता है या फिर एनएस 160 में आता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम पावर वाला आपको इंजन देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा बात करें यहाँ पे नाम के बारे में, इसका नाम क्या रहने वाला है। तो इसका जो नाम है SP160 भी रखा जा सकता है या फिर हो सकता है इसका नाम हॉर्नेट 160 हो या फिर एक्स ब्लेड 160 भी इसका नाम हो सकता है, लेकिन ये चीज़ तो कन्फर्म है जो बाइक 160 सीसी की ही होने वाली है। रेट वगैरह की बात करें तो जितने इसके रूमर्स निकल के आ रहे हैं इसकी जो रेट है अप्रोक्स 120 से लेके 125 लाख तक होने वाली है। एक शोरूम जो प्राइस रहेगी 1,20,000 से लेके 1,25,000 के बीच में इसकी एक शोरूम डेली प्राइस रहने वाली है। थोड़ा सा फीचर्स वगैरह की बात करें तो इसमें जो फीचर्स आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें जो डिस्प्ले आपको मिले उसमें थोड़े से रियल टाइम वाले जैसे फीचर्स और कनेक्टिविटी फीचर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जितने भी जो बेसिक फीचर हैं जो कि अपने होंडा SP125 में देखने को मिलते हैं सेम आपको देखने में इसमें मिल जाएंगे। और होंडा के जो मीटर कंसोल होते हैं उसमें थोड़े फीचर भले ही कम मिलते हैं लेकिन काफ़ी एक्यूरेट काम करते हैं। इसके अलावा जो इंडिकेटर है वो तो आपने देख लिया, यहाँ पर बल्ब टाइप इंडिकेटर हैं। जो बेक लाइट है वो आपको LED बेक लाइट इसमें देखने को मिलती है। और बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, लुक के बारे में, तो काफ़ी हद तक ये जो बाइक आपको SP125 से इंस्पायर मिलेगी क्योंकि इंडिया में जो SP125 है काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और उसकी सेलिंग सच में इंडिया में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह जो SP से इंस्पायर रहने वाला है। इसके अलावा ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो इसमें आपको बताया, मैंने बता दिया पहले भी, सिंगल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा इस बाइक के बारे में अपन बात करें तो इस बाइक की जो टक्कर रहेगी सीधी सीधी अपाचे से रहने वाली है। अपाचे 162 भी जो इंडिया में आती है उससे सीधी टक्कर इसकी रहने वाली है। और इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में भी इस बाइक में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलेगी क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट आजकल सभी बाइक में LED हेडलाइट आ रही है, तो इसमें भी आपको LED हेडलाइट ही देखने को मिलेगी। तो बस यार ऐसा और कुछ खास अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दिया। बाकी 2 तारीख का वेट करते हैं और देखते हैं कौन सी बाइक क्या लॉन्च होती है। और आपको क्या लगता है कि बाइक का नाम क्या रखा जाएगा, SP160 या फिर एक्स ब्लेड, क्या नाम हो सकता है इस बाइक का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहे। इंस्टा पे फॉलो कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।